हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उन फोन्स के बारे में जो कि आने वाले हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, और साथ ही साथ कुछ ऐसे फोन्स जो कि डेफिनेटली लगता है कि लॉन्च हो जाएंगे और इंडिया में भी आ जाएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे मेजर मोबाइल फोन ब्रांड्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोकिया की। नोकिया जिसने किया था एक बहुत ही बढ़िया कमबैक पिछले साल 2017 में, पहला है नोकिया वन। नोकिया वन में मिलेगी आपको 1 GB की रैम, 8 GB की इंटरनल स्टोरेज होगी इस फोन में, और साथ ही साथ ये फोन लाइट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड ओरियो रन करेगा। एंड्रॉइड गो एडिशन वाला ये फोन होगा। क्वाड कोर सीपीयू मिलेगा, हो सकता है कि क्वालकॉम का सीपीयू इसमें ना हो। अब हम बात करते हैं एक और फोन की जो कि यहाँ पे दिखाया जाएगा नोकिया की तरफ से, वो है नोकिया 7 प्लस, जो कि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आएगा। साथ ही साथ इसमें कार्लजीस ऑप्टिक वाला जो है डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, और हार्डवेयर भी लेटेस्ट मिल सकता है। हो सकता है स्नैपड्रैगन 660 हार्डवेयर जो है आपको इसमें देखने को मिल जाए, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट होगा, और ये फोन भी इंडिया में आ जाएगा। इसी के साथ एक और फोन वहां पे देखने को मिल सकता है, वो है नोकिया 9, बिल्कुल फ्लैगशिप फोन जो कि नोकिया की तरफ से आएगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 845 बिल्कुल लेटेस्ट वाला हार्डवेयर मिलेगा, और ये फोन भी मार्च 2018 तक लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे एक और फोन है जो कि नोकिया 8 है, और उसको बोला जा रहा है 2018 मॉडल, और इसका जो कोड नेम है वो है सिरोको। 5.5 इंच OLED डिस्प्ले के साथ ही आएगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 इसमें मिलेगा, यानी कि नोकिया 8 का एनहांस वर्जन आपको देखने को मिल सकता है नोकिया 8 2018 मॉडल में, जो कि दिखाया जा सकता है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में। अब हम बात करते हैं मोटोरोला की। मोटोरोला ने भी तैयारी कर ली है कि वो एक नहीं, दो नहीं, तीन या उससे ज्यादा फोन जो है लॉन्च कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोटो G6, मोटो G6 प्ले, मोटो G6 प्लस की। तो यहाँ पे तीनों ही फोन्स में आपको अलग अलग तरह के फीचर्स मिलेंगे। तीनों ही फोन में आपको 18:9 डिस्प्ले मिलेगा। हार्डवेयर की बात करें मोटोरोला के इन फोन्स की जो कि आने वाले हैं, तो मोटो G6 प्ले में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 430, जबकि मोटो G6 के अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 450, और ऐसे में मोटो G6 प्लस की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि उसमें और भी बेहतर हार्डवेयर देखने को मिले, हो सकता है स्नैपड्रैगन 636 आपको वहां पे देखने को मिल जाए। अब हम बात करते हैं सोनी की। सोनी का लॉन्च कुछ इस तरह से है। यहाँ पे सोनी की तरफ से सोनी एक्सपीरिया XZ1 आने वाला है। XZ2 के नाम से वो आ सकता है, क्योंकि लास्ट मिनट पे ये बताया जा रहा है कि सोनी का एक्सपीरिया XZ1 का डिजाइन जो है बिल्कुल एक तरह से पुराना डिजाइन है, तो उसको वो चेंज कर सकते हैं, और सोनी एक्सपीरिया XZ2 के नाम से वो जो है आ सकता है। 18:9 डिस्प्ले मिलेगा, USB-C पोर्ट मिलेगी, फास्ट चार्जिंग मिलेगी, और ऐसे में देखते हैं कि क्या ये फोन दिखता है और कितना इंटरेस्टिंग ये फोन होता है। Asus की बात करते हैं। Asus ने तैयारी कर ली है बिल्कुल iPhone 10 का क्लोन लॉन्च करने की। जैसा आपको iPhone 10 दिख रहा है, कुछ वैसा ही दिखेगा आपको Zenfone 5, और Zenfone 5 2018 मॉडल में आपको डुअल कैमरा का सेटअप भी कुछ ऐसे ही मिलेगा। तो बिल्कुल iPhone 10 का अगर कॉपी चाहिए एंड्रॉइड में, तो आप Zenfone 5 को देख लेना, बिल्कुल वैसा ही आने वाला है। और यहाँ पे हार्डवेयर अच्छा होगा इस फोन के अंदर, रैम भी बढ़िया होगी, एंड्रॉइड के हिसाब से बढ़िया होगा। कस्टम UI बिल्कुल घटिया वाला Asus का मिलेगा, चाहे आप चाहें या नहीं चाहें, आपको स्टॉक एंड्रॉइड बिल्कुल नहीं मिलेगा, साथ ही साथ बिल्कुल iPhone 10 वाली लुक एंड फील जो है आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं Xiaomi की। Xiaomi अभी तक तो फिलहाल शांत बैठा है, कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि Xiaomi की तरफ से Mi Mix 2S जो है यहाँ पे दिखाया जाए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में, जिसमें आपको 6 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, 18:9 डिस्प्ले मिलेगा, स्नैपड्रैगन 845 हार्डवेयर मिलेगा बिल्कुल लेटेस्ट वाला, साथ ही साथ 8 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो ऐसे में Mi Mix 2S जो है वहां पे दिखाया जाएगा। इंडिया में लॉन्च होगा तो उसे कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि वैसे भी Xiaomi के महंगे फोन बिकते नहीं है, तो ये कहां से बिकेगा। तो कुछ इसी तरह से ये सारे लॉन्चेस हैं जो कि आने वाले हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में। आप लोग बताइए कि किसके लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, किसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, क्या कोई ऐसी कंपनी है जो कि आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, उसका वीडियो बनाऊं और आप तक लेके आऊं, उसके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स मेरे पास हैं वो मैं आपके लिए ले आऊं और सबसे पहले वो आपको मिल जाए। इसीलिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा सा खून भी हमारा बढ़ा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।